नमस्कार साथियों, आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है क्रिटेशियस समूह। इसे हम स्टेटिग्राफी के अंतर्गत बीएससी पार्ट द्वितीय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। क्रिटेशियस समूह पश्चिमी यूरोप में जुरेसिक समूह के सेलों पर स्थित सेलों में चाक मुख्यतः पाया जाता है। वहां चाक को क्रीड़े कहते हैं, इसलिए इस समूह को क्रिटेशियस नाम दिया गया है। यानी ये जुरेसिक से यंगर फॉर्मेशन आती है जो क्रिटेशियस होती है, और इसमें मीसोजोइक की सबसे यंगेस्ट फॉर्मेशन है। क्रिटेशियस, जुरेसिक और देन ट्रायसिक। ट्रायसिक सबसे ओल्डर है मीसोजोइक में। पृथ्वी के अधिकांश क्षेत्रों में इस समूह का प्रतिनिधित्व समुद्री शैलों द्वारा ही होता है, लेकिन गोंडवाना संघ में निचले क्रिटेशियस को पौध जीवाश्म, सरीसृप एवं मत्स्य जीवाश्म युक्त महाद्वीपीय संलक्षणी भी विकसित है। क्रिटेशियस कल्प की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से सेनोमेनियन अतिक्रमण के नाम से ज्ञात विश्वव्यापी तत्कालीन समुद्री अतिक्रमण और लेरामाइड पर्वतन के नाम से ज्ञात आल्प्स हिमालय पर्वतन हलचलों के ऊपर क्रिटेशियस प्रारंभ होता है। इसके अतिरिक्त भारत, पूर्वी अफ्रीका और अंटार्कटिका के लावा का एक भाग भी इसी काल में प्रवाहित हुआ है। गोंडवाना लैंड का विघटन भी, जो गोंडवाना लैंड था उसका ब्रेकअप भी इसी काल की घटना है। अब क्रिटेशियस समूह के प्रमुख जीवाश्म हैं कुछ, वो इस प्रकार है। नोप्लेस है, पेलुडिना है, ग्राफिया है, एक्किनोकोनस है, सेरिथियम है, सेलेनिया है, स्टिग्मेटोकोनस है, ट्यूरोटेला है, इलेक्ट्रोनिया है, फाइला है, लिमनिया है, ट्राइगोनो आर्फा है, डेंटेलियम है, बिफोटिया है। ये मुख्य जीवाश्म क्रिटेशियस पीरियड के हैं। क्रिटेशियस समूह के प्रमुख संस्तर स्थितिक जीवाश्म फोरमिनिफेरा एवं एकिनोइड्स हैं। आर्बिटोलाइन फोरमिनिफर निम्न क्रिटेशियस तथा आर्बिटोइड ऊपरी क्रिटेशियस के अभिलाक्षणिक जीवाश्म हैं। चाक सेल समूह से ग्लोबिजेरिनिड, मिलियोलिड, लेगेनिड एवं रोजेलाइन महत्वपूर्ण हैं। एक्किनोइड में से सिडेरिस, होलेस्टर, माइक्रेस्टर, हेमिन्यूस्टस इत्यादि महत्वपूर्ण जीवाश्म हैं। एक्किनोइड में सिडेरिस, होलेस्टर, माइक्रेस्टर इत्यादि महत्वपूर्ण है। गैस्ट्रोपोड में से ट्यूरिटेला, सेरिथियम, फाइसा, नोटिका इत्यादि जीवाश्म मुख्य हैं। आइनोसेरा मसलामक लेमिली ब्रेन का उपयोग संस्तर स्थितिक जीवाश्म के रूप में होता है। आइनोसेरेमस का निम्न क्रिटेशियस में होपलाइटिस, क्रायोसेरास, एकेंथोसेरास, स्लोएन बैंकिया इत्यादि अमोनाइटिस पाए जाते हैं। बेलेमनाइट्स में से सिलिंड्रोट्यूथिस एवं वेलेमनास्पिस निम्न क्रिटेशियस तथा बेलेमनेटिला, गोनियोट्यूथिस एवं एक्टिनोकेमस ऊपरी क्रिटेशियस के जीवाश्म। भारत उपमहाद्वीप में क्रिटेशियस समूह की विभिन्न उत्पत्तियों की अनेक संलक्षणियां विकसित है। हिमालय एवं तिब्बत में भू अभिन्नतीय उत्पत्ति के 33 समुद्री सेल, बलूचिस्तान एवं बर्मा के कैल्शियस एवं फ्लिस प्रकार के सेल, पूर्वी तट पर समुद्री अतिक्रमण द्वारा निक्षेपित सेल, नर्मदा घाटी में समुद्री प्रवेश के परिणाम स्वरूप निर्मित निक्षेप, प्रायद्वीपीय भारत में डेक्कन ट्रेप के नीचे के सरोवरी निक्षेप की उपस्थिति इस समूह को भारत का सबसे अधिक व्यापक औषधीय समूह बनाती है क्रिटेशियस को। इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भारत के डेक्कन ट्रेप, कश्मीर के ड्रेस ज्वालामुखी सेल, सिंध बलूचिस्तान के अधिसिलिक एवं पराअधिसिलिक अल्ट्रावेसिक क्रिटेशियस काल में गठित आग्नेय क्रिया के मुख्य प्रमाण है। प्रायद्वीपेतर भारत के क्रिटेशियस चट्टानों में हम देखते हैं स्पिति में ग्यूमल, किब्बर एवं चिक्कम में लोछंबल संस्तर, ऊपर की ओर पीले भूरे बालुकाश में एवं स्लेटी क्वार्ट्जाइट में संक्रमित हो जाते हैं। इस 100 मीटर मोटे अनुक्रम को ग्यूमल श्रेणी में रखा गया है। वैसे लोछंबल संस्तरों में ही निम्न क्रिटेशियस के
होपलाइटिस, नियाकमेंसिस जैसे जीवाश्म मिलते हैं। ग्यूमल बालुकाश में होलोस्टेफनस, ऑथरिस्टोनी, कार्डियम ग्यूमेलेंस, स्यूडोमोनोटिस जैसे निम्न क्रिटेशियस के घोतक सिफिलोपोड एवं लैमेलिक बैंक मिलते हैं। इस क्रम के ऊपर चिक्किम श्रेणी के 30 मीटर मोटे दूसर और श्वेत चूना पत्थर हैं। इस चूना पत्थर के ऊपर क्रिटेशियस, कालीन फोरमिनिफर जिसमें टेक्सटूल एरिया, नोडोसेरिया, डेंटालिना एवं बेलेमनाइटिस तथा हिपोराइटिस मिलते हैं। ऊपरी श्रेणी में बालुई एवं कैल्शियमी शेल हैं। ऊपरी साई फ्लेश संक्षणी के जीवाश्म रहित शेल हैं। कुमायूं तथा हिमालय के मध्यवर्ती क्षेत्र में फ्लेश श्रेणी विकसित है। स्पिटी सेल निचले फ्लेश में संक्रमित हो जाते हैं। यह ऊपर की ओर ग्लोकोनाइटी बालुकाश्म एवं सेल में संक्रमित हो जाते हैं। इनमें जीवाश्म विरल है। इनका विस्तृत अध्ययन हीम एवं गांसेर ने किया है। फ्लिस के ऊपरीतम भाग में रेडियोलेरियन सेट है जिन्हें हीम एवं गांसेर ने टूफ के रूप में अभिनिर्धारित किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊपरी क्रिटेशियस फ्लिस ऊपरी ट्यूरोनियनियसोनियन कालीन है। उत्तरी कुमायूं और तिब्बत के हुंडे क्षेत्र की सीमा में मल्ला जोहार, कियोगढ़ और चितिचुन क्षेत्र में मध्यजीवी सेलों की विभिन्न संलक्षणियाँ पाई जाती हैं। क्रिटेशियस कालीन फ्लिश और ज्वालामुखी सेलों से परिवर्तित विश्रृंखलित विदेशागत ब्रंशोत्तत है। यह आकार में छोटे गौलाश्म के बराबर से लेकर विशाल पहाड़ियों के आकार तक के हैं। इन भ्रंशोत्तत में परमियन से लेकर ऊपरी क्रिटेशियस काल के सेल पाए जाते हैं। इस प्रकार इन क्षेत्रों में उपयुक्त कालों के दो प्रमुख प्रकार के सेल हैं, एक तो भ्रंशोत्तत के रूप में और दूसरे सेमीपूर्ति क्षेत्र में सुस्ताने रूप में। ट्रायसिक काल के क्योगढ़ में विकसित कैल्पियोनोला युक्त चूना पत्थर और भ्रंशोत्तत के रूप में पाए जाने वाले आर्सेस्टिस एवं क्लेडी स्काइटिज युक्त चूना पत्थर जीवाश्म एवं अश्म विन्यासिक रूप में एक दूसरे से असमान है तथा दोनों ही 33 श्रेणी के तत्कालीन सेलों से पूर्णतया भिन्न है। कैल्पियोनेला युक्त चूना पत्थर आल्प के डेस्टिन का और आर्सेस्टिज युक्त सेलों हेलस्टार्ट संगमरमर से मिलते जुलते हैं। जुरैसिक काल का प्रतिनिधित्व ब्रंशोत्तों में फिलोसेरोस, सिस्टोफिलोसेरोस, जुरेफिलाइटिस, एरिराइटिस जैसे फाइलोसेराटिड और लाइटोसेराटिड चूना पत्थर द्वारा हुआ है। यह सेल हेलस्टार्ट एवं साल्जबर्ग के आर्डने चूना पत्थर से मिलते जुलते हैं। यहाँ क्रिटेशियस सेलों की भी कई संलक्षणियाँ हैं। एक सुस्ताने संलक्षणी में फ्लिश सेल है और दूसरे में आग्नेय सेलों के साक्षर्य में रेडियोलेरियन सिलिका में चूना पत्थर है। ब्रंशोत्तों में इस कल्प का प्रतिनिधित्व लाल रंग के चूना पत्थर द्वारा होता है। हीम और गांसेर ने इन तीन संलक्षणियों को क्रमशः 33 हिमालय संलक्षणी, कियोगढ़ संलक्षणी और ब्रंशोत्त चिटिचुन संलक्षणी नाम दिया है। आर्केल के अनुसार यहाँ दो ही संलक्षणियाँ हैं, स्वस्ताने 33 हिमालय संलक्षणी और ब्रंशोत्त चिटिचुन संलक्षणियाँ तिब्बती संलक्षणी। तिब्बत में क्रिटेशियस और प्रारंभिक तृतीय कल्प का कंपा समूह विकसित है। हजारा के उत्तरी क्षेत्र में ग्यूमल बालुकाश में एवं चूना पत्थर का क्रम है। दक्षिणी क्षेत्र में ऊपरी क्रिटेशियस शेल विकसित नहीं है। अटक के क्रिटेशियस अनुक्रम के ऊपरीतम भाग में ऑक्सीट्रोपिडोसेरोस युक्त संस्तर है। कश्मीर में क्रिटेशियस कल्प के शेल सुविकसित नहीं है। लद्दाख में ग्राइफिया एवं हिप्पोराइटिस युक्त चूना पत्थर विकसित है। उत्तरी कश्मीर में अस्तोर से लेकर ड्रेस तक स्थित ज्वालामुखी सेलों का क्रम विकसित है। बुर्जिल घाटी में इस क्रम में भस्म संस्तर एसबेट्स, संज्वालाश्म एग्लोमरेट एवं संज्वालाश्मी संगुटिकाश्म आर्बिटोलिना युक्त चूना पत्थर के साथ अंतर स्तारित हैं।
इसके साथ ही ग्रेनाइट, गैब्रो और पॉर्फिर जैसे अधिसिलिक और अल्पसिलिक सेल भी अंतर्वेदित हैं। बलूचिस्तान के कैल्शियमी क्षेत्र में क्रिटेशियस सेल सुविकसित हैं। क्रिटेशियस अनुक्रम के निम्नतम भाग में बेलेमनाइटिस, लेटस ग्राइफिया, ओल्डामी एम डुबालिया डेटेटस युक्त सेल है। इसके ऊपर पार्ट चूना पत्थर है। चूना पत्थर में आयनोसेरामस, निपुराइटिस एम ग्लोबोट्रेंकाना इत्यादि जीवाश्म पाए जाते हैं। यह सेल संजोलाश्म और अल्पसिलिक सिरोधानी लावा के साचर्य में हैं तथा इनमें ऊपरी क्रिटेशियस कालीन गैब्रो एवं पेरिडोटाइट अंतर्वेदित हैं। लाकी पहाड़ियों एवं सिंध में ऊपरी क्रिटेशियस के निम्नतम अनुक्रम में सिडेरोलाइटिस, ओम्फो, ओम्फेलोसाइक्सल, नोटिलस एवं हिम्मिन्यूस्टेस युक्त हिम्मिन्यूस्टेस संस्तर हैं। इनके ऊपर कार्डिटा, सब कम्प्लांटा, इंडोसेरोस इत्यादि जीवाश्म युक्त सेल संस्तर हैं। सबसे ऊपर फ्लिस के समान बालुकाश्म हैं। इसके कुछ जीवाश्मीय संस्तरों से कार्डिटा ब्यूमांटी भी प्रतिवेदित है। साल्ट रेंज में निचले क्रिटेशियस का प्रतिनिधित्व 3 मीटर लंबे दूसर एवं श्वेत बालुकाश्मों द्वारा होता है। इससे बेलेमनाइटिस प्रतिवेदित है। शेखबुद्दीन की पहाड़ियों में जीवाश्मीय सेल विकसित हैं। इनमें मत्स्य एवं सरीसृप भी पाए जाते हैं। इसके बाद आता है समुद्री अतिक्रमण एवं प्रायद्वीपीय भारत के क्रिटेशियस सेल्स। जुरैसिक काल में राजस्थान, कच्छ एवं काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्री अतिक्रमण हुआ था, यानी मैराइन ट्रांसग्रेशन हुआ था। उस समय के क्रिटेशियस तक वह समुद्र इन क्षेत्रों में बना रहा। कच्छ के उमिया श्रेणी के अधिकांश ऊपरी भाग क्रिटेशियस कालीन हैं। उमिया संस्तर के ऊपर कोलंबी शिरास एवं चेलोनी सेरास युक्त बालुकाश्म हैं। जीवाश्मों की सहायता से उस संस्तर की मध्य क्रिटेशियस आयु प्रमाणित होती है। इडर गुजरात, इडर एक जगह है गुजरात में। इस काल के मेटोनीडियम इंडिगम एवं विसेलियारा रेटिकुलेटा पौध जीवाश्म युक्त बालुकाश्म पाए जाते हैं, प्लांट फॉसिल्स। बंगाल की खाड़ी का अस्तित्व ऊपरी जुरैसिक काल में था, लेकिन उसको महत्वपूर्ण स्थिति निम्न क्रिटेशियस में ही प्राप्त हुई। मध्य क्रिटेशियस काल में समुद्र पूर्वी तट पर तथा उत्तर की ओर गंगा के जलोढ़ क्षेत्र को पार कर असम के शिलांग के पठार तक अतिक्रमित हो गया। इस अतिक्रमण के फलस्वरूप निर्मित क्रिटेशियस कालीन सेल त्रिचिन्नापल्ली, पांडिचेरी, गोदावरी के डेल्टीय क्षेत्र तथा असम के गारो खासीता जयंतिया पहाड़ियों पर हैं। संभवतः बंगाल की खाड़ी का जल पूर्व की ओर बर्मा पर भी बढ़ गया था, वहाँ भी क्रिटेशियस कालीन सेल विकसित है। पश्चिमी की ओर नर्मदा घाटी में होकर समुद्र का एक भाग इंदौर के पास बड़वाह तक बढ़ गया था। इस प्रकार नर्मदा घाटी में भी अतिक्रमी एवं प्रतिक्रमी ज्वारानदमुखी संलक्षणी के सेल है। क्रिटेशियस रॉक्स के बारे में सामान्यतः विवरण इस प्रकार है। इन इंडिया ड्यूरिंग द क्रिटेशियस पीरियड देर इज एन एविडेंस ऑफ ए मार्क्ड ट्रांसग्रेशन ऑफ सी ओवर द नेबरिंग लैंड एरिया, यानी मैराइन ट्रांसग्रेशन हुआ था इस दौरान। द क्रिटेशियस रॉक ऑफ इंडिया में भी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स। पहला है मैराइन क्रिटेशियस रॉक और दूसरा है फ्रेश वाटर क्रिटेशियस रॉक। मैराइन क्रिटेशियस रॉक्स में क्या होता है? द मैराइन क्रिटेशियस रॉक्स अक्कर इन द हिमालय रीजन। इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? स्पीति, बलूचिस्तान और साल्ट रेंज अलोंग ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इसमें आते हैं तिरुचिन्नापल्ली एंड पौंडीचेरी। एंड इन द नर्मदा वैली इसमें आता है बागबेड। इसके पश्चात है फ्रेश वाटर क्रिटेशियस रॉक्स। दीज रॉक्स अक्कर इन मध्य प्रदेश, जहाँ पर यह लमेटा बेड के नाम से जानी जाती है। फ्रेश वाटर रॉक्स हैं और एक मेराइन वाटर रॉक्स है क्रिटेशियस कालीन। इसी का क्लासिफिकेशन पूरे क्रिटेशियस में हम देखते हैं। तो आज के अध्याय में हमने सामान्य क्रिटेशियस चट्टानों के बारे में देखा।
इसके पश्चात हम नेक्स्ट अध्याय में क्रिटेशियस सक्सेशन ऑफ स्पिटी एरिया और क्रिटेशियस ऑफ तिरुचिन्नापल्ली के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें स्पिटी को सिक्किम लाइमस्टोन और गियुमाल सैंडस्टोन में बांटा गया है और इसी प्रकार तिरुचिन्नापल्ली को निन्यूर अरियालूर तिरुचिन्नापल्ली और उत्तातुर इन स्टेज में डिवीजन किया गया है। ये हम नेक्स्ट अध्याय में अध्ययन करेंगे।